हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द नेक्स्ट वीडियो फॉर योर चैप्टर बीआई स्पोर्ट। नाउ लेट्स सी दिस वीडियो फ्रॉम हियर। मोहन एंड दुर्गा आर बोथ पोस्टमैन एंड यू सरकार क्वेश्चन मार्क। Means when the engineer Malik asked with his childhood friend Gaya about his old friends Mohan, Durga and Matai, then Gaya replied that Matai died but Mohan and Durga are now postmen, and then he asked him respectfully, and you means, and what are you doing sarkar, what are you doing sarkar sir? In English you say sir or madam, but in Hindi terms sarkar words is used for an important person. I'm the engineer of this district. To Malik ne reply diya ki main is district ka engineer hu. Do you still play gilli danda, I asked. और फिर मलिक उससे पूछता है गया से, क्या तुम अभी भी गिल्ली डंडा खेलते हो? गया लुक्ड एस्टोनिस्ट, गया काफ़ी चकित होकर के देखा। वेयर इज़ द टाइम मलिक, कहाँ मलिक अब टाइम है गिल्ली डंडा खेलने के लिए? ही सेड आई हैव टू अर्न माई लिविंग, मुझे अब अपनी जीविका चलाना है, अपने लिए लिविंग को अर्न करना है, अब गिल्ली डंडा खेलने का समय कहाँ है? Come, I said, today you and I will play gilli danda. Then Malik said that, okay, come, today you and I will play gilli danda. You bat, I will field. और तुम batting करोगे और मैं fielding करूँगा। I have not forgotten that I owe you a turn at batting. और मैं भूला नहीं हूँ कि अभी भी मैं तुम्हारा turn जब batting का था, तुम्हारे batting turn का मैं अभी भी ऋणी हूँ, ओए हूँ, रेडी हूँ। तो गया एग्री टू पी प्ले वेरी रिलेक्टेंटली, गया बिना इच्छा के, विदाउट एनी डिजायर, गया एग्री टू प्ले। ही वॉज अ लेबर ऑन डेली वेजेज, बिकॉज एट दैट टाइम गया वॉज अ लेबर ऑन डेली वेज एंड आई वॉज अ सीनियर ऑफिसर एंड दिस मैन मलिक वॉज सीनियर ऑफिसर। तो वॉट इज द टू ऑफ अस हैव इन कॉमन, तो क्या व्हाट डिड, क्या कैसे दोनों अब कैसे आपस में कॉमन है? आई टुक गया बैक विद मी टू द डाक बंगलो एंड देन वी पोर ड्रोव इन माय कार टू द स्पॉट वेयर वी वर गोइंग टू प्ले। और फिर गया को वो अपने साथ अपने डाक बंगले पे ले गया और वहाँ पे वो दोनों जो है, और फिर उसको अपने कार में बिठाया और कार में बिठा करके फिर वहाँ से वे दोनों जो है वहाँ से घूमने के लिए गए। हाँ, वहाँ से फिर डाक बंगला में बैठाया, फिर वहाँ से वे लोग कार से घूमने के लिए, माई कार टू द स्पॉट, उस जगह पे घूमने के लिए गए वेयर वी वर गोइंग टू प्ले, जहाँ पर वे लोग बचपन में खेलने जाया करते थे। वी ऑल्सो टू कैन एक्स विद अस डिसअपॉइंट माई इनर एक्साइटमेंट। और वहाँ जाते समय मलिक ने अपने साथ एक एक्स, एक कुल्हाड़ी को भी लिया, अपने अंदर डिसअपॉइंट माई इनर एक्साइटमेंट। मलिक बता रहे हैं कि मेरे अंदर इतना एक्साइटमेंट होने के बावजूद आई मैनेज टू लुक वेरी काम, मैं बहुत शांत रहने के लिए खुद को मैनेज किया। गयाज फेस शोड नो साइन ऑफ आइदर ईगरनेस और प्लेजर, लेकिन गया के तो चेहरे पर किसी भी प्रकार का ना एक्साइटमेंट था, न ही कोई उसके चेहरे पर ईगरनेस था, उत्सुकता था, ना प्लेजर था, ना हैप्पीनेस था। परहैप्स हिज माइंड वॉज टू अप्रेस्ड बाय द डिफरेंस इन आवर स्टेटस। मलिक को लगा कि शायद हमारे और अपने बीच के स्टेटस को देख करके वो इतना अधिक उसका माइंड अपसेट है। Did you ever think of me all these years? I asked. तो कह रहा मैं फिर उससे पूछा कि क्या तुमने कभी, did you ever think, क्या तुमने कभी
इतने सालों में मेरे बारे में सोचा, भी ट्रुथफुल गया गया सही सही बताना। हाउ कुड आई प्रिज्यूम टू थिंक ऑफ यू मलिक, ही सेड ऑकवर्डली। काफ़ी ऑकवर्डली मीन्स इन अ रफ लैंग्वेज मलिक गया रिप्लाई दैट हाउ कुड ही डू समथिंग दैट सो डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्टिंग थिंग फॉर यू, बट आई थॉट ऑफ यू क्वाइट ऑफ्टन, आई सेड अ लिटिल सैडली। लेकिन मैंने सोचा कि तुम कुछ अक्सर हम ऐसा सोचते होगे, और फिर आई सेड अ लिटिल सैडली, मैंने ऐसा कुछ कहा धीरे से दुखी स्वर में। आई स्टिल रिमेंबर एंड ब्लो यू गेव मी विद योर डंडा। तो मलिक कहा, मुझे अभी भी याद है कि तुमने मुझे अपने डंडे से मारा था। दैट वॉज लॉन्ग है वो सरकार, गया कहता है सरकार हो तो बहुत बीते दिनों की बात हो गई, और वो नई बात कहाँ रह गई, वो तो बीते दिनों की अब बात रह गई। प्लीज डू नॉट रिमाइंड मी ऑफ इट गया, प्लीज डू नॉट रिमाइंड मी ऑफ इट गया लुक्ड वेरी सॉरी। गया ने काफ़ी दुखित होकर कहा कि मुझे अभी सब याद मत दिलाओ, मुझे अभी सब याद मत दिलाओ। वाह आई सेड वाई नॉट, मलिक ने कहा वाह, मैंने कहा वाह क्यों नहीं याद दिलाऊं। दैट मेमोरी रिमेन द स्वीटेस्ट मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, ये सब मेरे बचपन की काफ़ी स्वीटेस्ट मेमोरीज हैं, मैंने क्यों नहीं याद दिलाऊं। ये तो हमारे बचपन की सब स्वीटेस्ट मेमोरी है, इसे तो हमें संभाल के रखना है, ये सब याद करने में क्या दिक्कत है। We were now about 3 miles away from the town. बता रहा कब हम अर्थात गया और मलिक दोनों टाउन से लगभग 3 मील दूर थे। Everything was quiet and peaceful. अब वहाँ सब कुछ बिल्कुल शांत था। The sky was lit by the rays of the evening sun. और अब शाम हो रहा था, इवनिंग सन के किरणों के कारण स्काई भी अब बुझ रहा था, अर्थात अब हल्का हल्का उजाला गायब हो रहा था। आई रैपिडली क्लाइम्ब्ड अ ट्री एंड कट अ ब्रांच टू मेक द गिल्ली एंड डंडा, मैं तुरंत एक पेड़ पे चढ़ा और एक ब्रांच को काटा गिल्ली डंडा बनाने के लिए। देन वी बिगन प्लेइंग, और तब हम लोग खेलने लगे। आई हिट द गिल्ली मेकिंग इट लीप अप इन द एयर, कैट ट्राइड टू कैच इट बट इट फेल बिहाइंड, और फिर मैंने गिल्ली को बहुत जोर से हवा में मारा, गया उस गिल्ली को कैच करने का प्रयास किया लेकिन वो कैच नहीं कर पाया और उसके पीछे वो गिर पड़ा। ही सीम टू हैव लॉस्ट हिज ओल्ड डेक्सटेरिटी, देखकर ऐसा लगा कि गया के अंदर जो डेक्सटेरिटी थी, जो स्किल था उस गिल्ली डंडा के खेल वाला उलोरा, वो ख़त्म हो गया था, वो खो दिया था। नो गिल्ली हैड एवर एस्केप्ड गया व्हेन वी वर चिल्ड्रेन, बता रहा अपनी समय को याद करते हुए जब हम लोग बच्चे थे तो कोई भी ऐसी गिल्ली नहीं थी जो गया से बच पाई थी, अर्थात गिल्ली को जरूर कैच कर लेता था, छोड़ता नहीं था। बट टुडे ही नोटिस्ड दैट ही वॉज नॉट एबल टू कैच द गिल्ली, इट वॉज मिस्ड बाई हिम। आई स्टार्टेड बैटिंग, मैंने बैटिंग शुरू किया। आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस बट आई मेड अप फॉर माई लैक ऑफ स्किल बाई चीटिंग एट एवरी अपॉर्चुनिटी, मैंने अपनी बैटिंग शुरू किया और आउट ऑफ माई प्रैक्टिस था, लेकिन मैंने अपने कम स्किल को, कम अपने ज्ञान को, कुशलता को, चीटिंग की अपॉर्चुनिटी को लेकर के मैं पूरा कर लेता था, अर्थात मौका मिलते ही मैं चीटिंग कर लेता था, जिससे मेरी जो कमी रहती थी उसकी भरपाई हो जाती थी। गया वॉच्ड विदाउट सेइंग अ वर्ड,
हाउ एक्यूरेट ही जेम यूज टू बी इन द ओल्ड एज। गया बिना कुछ कहे, वो कहा देखता रहा कैसे उसका उद्देश्य पुराने दिनों में धीरे धीरे यूज हुआ। हिज गिल्ली हैड नेवर फेल्ड टू हिट द डंडा। जिस व्यक्ति की गिल्ली कभी डंडे को फेल नहीं कर पाती थी, नाउ इट मिस द डंडा एवरी टाइम। अब वो मार रहा था तो हर बार डंडा और गिल्ली में डिस्टेंस बन जा रहा था, मिस हो जा रहा था। आफ्टर आई हैड बीन बैटिंग फॉर हाफ एन आवर द गिल्ली डिड हिट द डंडा वंस। और जब से मैं बैटिंग कर रहा था आफ्टर फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे के लिए, तो गिल्ली डंडे को एक बार केवल हिट कर पाई। बट आई रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द फैक्ट। लेकिन मैंने उस फैक्ट को एक्नॉलेज मीन्स होता है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। सरप्राइजिंगली गया डिड नॉट आर्ग, और शायद गया उस पर कोई बहस करना नहीं चाहता था। क्लाइम्ड ऑन माई बैक बाय नाउ नेवर। Allowed me to get away with some cheating.